प्रधानमंत्री ने योजनाएं लॉन्च की, उसके बाद उन योजनाओं को लेकर उसके जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद बनाया, हमने भी संवाद बनाया, दोनों को एक साथ मिलाइए और इस रिपोर्ट के आश्रय समझने की कोशिश कीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का सच है क्या? फूलमती जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए बताइए, आपके चेहरे पर तो खुशी तो दिख रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से जब प्रधानमंत्री ही मुखातिब हुए तो हर कोई खुश नजर आया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया, लेकिन जब एबीपी न्यूज का कैमरा पीएम आवास योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल के लिए निकला तो उतनी खुशी कहीं नजर आई नहीं, और ना ही हंसते वो चेहरे नजर आए। बाहर से करवा दिया, अंदर पूरा ऐसा नीचे का परस दो, अगल बगल आजू बाजू में कुछ भी नहीं किया, ऊपर नीचे कहीं भी। लेट बन रहा है, पता नहीं अब समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। उनके पास कागज वगज लेकर के भी गए तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये आपका नहीं है। कुछ नहीं मिला है, अमीरन की मिल जाती है, गरीबन की कभी मिलती ही नहीं है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के देवरा गांव में रहने वाली चांद तारा अपने 3 बच्चों के साथ एक टूटे फूटे से घर में रहती है। इन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए फॉर्म भरा था, महीनों बीत गए पर अब तक उन्हें ये नहीं पता घर मिलेगा या नहीं। फार्म 4-5 महीना से भरल बा, मिला आपको कुछ? वही तो मिलल कुछ नहीं बा। और देवरा गांव के ग्राम प्रधान के मुताबिक उन्होंने आवास योजना की पात्रता के लिए गांव के 52 लोगों का नाम भी भेजा था, जिनमें से 7 के नाम काट दिए गए, लेकिन बाकी बचे 45 लोगों के लिए अब तक योजना की शुरुआत हुई नहीं है। अभ्यर्थी जो है जी, लाभ पाने के हकदार बने हैं सर। क्या उनके किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया? अभी कोई पैसा नहीं आया सर। तो मुरादाबाद का हाल यह है कि शहर और गांव के तमाम लोग आवास योजना के लिए चक्कर लगा रहे हैं, और रामपुर के रहने वाले आनंद वर्धन का नाम मुरादाबाद के लाभार्थियों की लिस्ट में आ गया। अभी तो मुझे जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये सुना है कि उसके साथ पहली इंस्टॉलमेंट जारी हो गई, लेकिन मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों का तो आरोप यह भी है कि फॉर्म भरने के बाद जांच के नाम पर उनसे 400-400 रुपए भी लिए गए, फिर भी योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं कपड़े सिलने का काम करने वाले रहमतुल्ला का कहना है सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर पैसा जारी हो गया, पर उनके खाते में तो पैसा आया ही नहीं, एक भी पैसा नहीं आया। 50,000 रुपए मिल गए हैं, लेकिन ये देख लीजिए मेरा स्टेटमेंट बैंक का है, ये देख लीजिएगा, इसमें ये देख लीजिएगा रकम आई नहीं है, अभी कोई रकम नहीं आई है। और योजना के तहत मुरादाबाद के शहरी इलाकों में अभी तक किसी गरीब का मकान नहीं बना है। लगभग 21,000 लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 7,000 को पात्र माना गया, और इनमें से सिर्फ 1,166 लोगों को 4 दिन पहले ही पहली किस्त मिली। वहीं कुशीनगर के विशुनपुरा विकास फंड के हिरनही गांव के पासवान परिवार की कहानी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों के नाम को मंजूरी मिल गई, पैसा भी जारी हो गया, लेकिन वो पैसा इन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में इनके नाम के आगे किसी और की खाता संख्या लिख दी गई, मतलब पैसा किसी दूसरे की जेब में चला गया, नाम चाहे इनका हो। क्या मिला हम लोग क्यों पता ना के उठा खा ले जानते, हमारा ससुर के मिला है, देवर के मिला है। और लोगों का कहना ऐसे कई गाँव में हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो इलाहाबाद में भी गरीबों के घर सिर्फ कागजों पर ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष में 56,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 741 लोगों को 50,000 रुपए की किश्त मिली है, और ये किश्त भी 1 जून को सीएम योगी के इलाहाबाद दौरे को ध्यान में रखते हुए जारी की गई। 56,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, अभी तक जो MIS पर एंट्री हुए हैं पात्र, उनकी लगभग 6,794 लोगों की आवास की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, 1,500 लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज की। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनना तो शुरू हो गया, लेकिन अगली किश्त न मिल पाने के कारण ज्यादातर घर अधूरे पड़े हैं, पर कागजों पर सब ठीक दिखे इसीलिए अधिकारियों ने अधूरे घरों के बाहर की दीवार के सामने लाभार्थियों की फोटो खींच ली। प्लास्टर नहीं दिया, नहीं हुआ। क्यों नहीं करवा रहे हो प्लास्टर? पैसे निकले जब तो करवाओ, इसका करवाओ। और मध्य प्रदेश के मंडला की अनीता ने 4 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया, उन्होंने अपना कच्चा घर तोड़कर काम भी शुरू करा दिया, लेकिन पैसे देर से मिलने के कारण काम रुक गया। जो फार्म भरा गया था वो दब गया था, फिर से फार्म भरने के बाद में
अभी 8 दिन पहले ही अब प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आया है उसी से अभी कार्य चालू है। तो अगर 3 बरस में प्रधानमंत्री आवास योजना का ये हाल, तो प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा कैसे करेंगे जो उन्होंने किया है? हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। यानी दावा है इस योजना के तहत 2022 तक गांव में 3 करोड़ और शहरों में 1 करोड़ घर बन जाएंगे और 31 मार्च 2019 तक गांव में 1 करोड़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पर बीते 3 बरस में सिर्फ 40,76,243 घर ही बन पाए, तो अगले 9 महीनों में 60 लाख घर बनने हैं और 2022 तक 2.5 लाख से ज्यादा घर बनने हैं। बन जाएंगे, इंतजार करते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।